सीवी एडिटिंग कैसे करें। गाइज इस टॉपिक पे आप लोगों ने बहुत सारी मेरे चैनल पे वीडियोस देखी होंगी, बट गाइज ये वीडियो सबसे हटके होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के डिमांड के हिसाब से मैं एडिटिंग सिखाने वाला हूँ एंड गाइज एक्यूरेट पॉइंट बताने वाला हूँ सीवी एडिटिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में गाइज थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है आप लोगों को सीखने में एंड मेरे को सिखाने में, तो यार वीडियो बस कंप्लीट देखना और प्यार बनाए रखना। गाइज वीडियो का हम फटाफट स्टार्ट करेंगे क्योंकि वैसे ही हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो यार वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइज ये है हमारा नॉर्मल फोटो, आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल फोटो को ओपन करना है एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में। यहाँ पर गाइज मेनली हम करेंगे क्या, अपने फोटो के अंदर लाइटिंग बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा फोटो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, फेस भी हमारा दिख नहीं रहा सही से। तो सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन में आके गाइज शैडो को 100% ओपन कर देंगे एंड हाईलाइट्स को भी बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक्सपोजर भी हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा एंड कंट्रास्ट गाइज हम यहाँ पर रहने देते हैं अभी, ब्लैक को थोड़ा सा ओपन साइड कर देंगे क्योंकि हमारे फोटो में ब्लैक ब्लैक फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा था, है ना। अब सिंपल लाइट वाले ऑप्शन को डन करेंगे, हमारे फोटो में अच्छी खासी लाइट आ गई है। अब कलर वाले ऑप्शन में आना है आपको, वाइब्रेंस को इसके अंदर बढ़ा देना है आपको 25% के आसपास एंड मिक्स कलर में आपको गाइज आ जाना है। मिक्स कलर में आने के बाद मेनली आपको आना है ऑरेंज कलर पे, ऑरेंज कलर का आपको ल्यूमिनेंस बढ़ाना है, ये कलर हमारे फेस पे होता है तो हमारा फेस थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। जितना आप ल्यूमिनेंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका फेस ब्राइट होगा, तो आप अपने फेस कलर के हिसाब से देखना, ठीक है। एंड गाइज येलो कलर पे आना है, येलो कलर का आपको सेचुरेशन 100% प्लस कर देना है एंड ग्रीन कलर का ह्यू आपको 100% माइनस करना है। मेनली हमने अपने फोटो में येलो कलर अभी कन्वर्ट करा है, ठीक है। एंड एक्वा कलर का भी हम ह्यू 100% माइनस कर देंगे, ब्लू कलर का हम सैचुरेशन माइनस करेंगे एंड ल्यूमिनेंस इसका माइनस करेंगे एंड पर्पल कलर का भी हम सेम करेंगे एंड पिंक कलर को रहने देंगे। ओके गाइस लाइट रूम में आपको इतने करना है एंड फोटो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर अभी से रिजल्ट। तो अब आप लोगों को यहाँ से फोटो को कर लेना है गाइस सेव एंड गाइस फोटो को सेव करने के बाद चलेंगे हम ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। गाइज ऑटोडेस्क में आने के बाद आप लोगों को करना है क्या, यहाँ पर अपनी स्किन को स्मूथ करना है और स्किन को ब्राइट करना है और बैकग्राउंड को सीवी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए गाइज सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोगों को फोटो को गाइज सबसे पहले डुप्लीकेट एक लेयर बनाना है एंड फोटो का यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद जो डुप्लीकेट आपने लेयर बनाया है उसको आपको क्लिक करना है एंड उसको क्लिक करने के बाद इसके ब्लेंडिंग मोड वाले ऑप्शन पर आना है एंड ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको कर देना है सॉफ्ट लाइट। ओके इससे आपका दो चीज़ हो जाएगा गाइज, एक तो आपका गाइज आपका बैकग्राउंड अच्छा खासा मतलब सीवी एडिटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके ड्रेसिंग भी अच्छे खासे मतलब डार्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके तो अब गाइज सिंपल आपको इरेजर यहाँ से लेना है एंड हार्ड इरेजर आप लोगों को लेना है और इसकी सेटिंग गाइज आपको देखना है, अमाउंट पूरा 100% मैंने यहाँ पे रखा है एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से देखना, जहाँ मर्जी मतलब जहाँ ज़रूरत हो जितना साइज वहाँ पर उतना साइज आप लोग यूज़ करना। एंड गाइज इस तरीके से अपने स्किन के पूरे स्किन के ऊपर से इस इफेक्ट को आपको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद गाइज देखोगे हमारे फोटो का पूरा लुक यहां से चेंज हो चुका है, ड्रेस का और हमारे बैकग्राउंड का। फिर भी गाइज हमारा थोड़ा सा स्किन अभी भी और डार्क लग रहा है, तो उसको और ब्राइट करने के लिए सिंपल से एक और स्टेप है, आपको एक एम्प्टी लेयर बनाना है। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद आपको सिंपल आना है कलर वाले ऑप्शन में, कलर करना है आपको वाइट एंड गाइज यहाँ से आपको चलना है ब्रश वाले ऑप्शन में एंड गाइज ब्रश सिलेक्ट करना है इस बार आपको ट्रेडिशनल ब्रश ये वाला। ओके एंड इसकी सेटिंग में आना है, सेटिंग को गाइज अमाउंट को कर दो पूरा 100% ओपेसिटी इसका एंड साइज तो हमेशा की तरह अपनी अपने हिसाब से देखना एंड फिर इस तरीके से पूरे अपने स्किन के ऊपर इस कलर को अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद गाइज आपको चलना है लेयर वाले ऑप्शन पे एंड इस एम्प्टी लेयर पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आप लोगों को कर देना है चेंज करके सॉफ्ट लाइट पे एंड जैसे ही चेंज करोगे वैसे ही आप लोग देखोगे आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। एंड गाइज अगर आप लोगों को ज़्यादा ब्राइट नहीं चाहिए, ज़्यादा फेक नहीं चाहिए, तो आप लोग इसका जो है ओपेसिटी भी यहाँ से कम कर सकते हैं। ओके अब गाइज हम सारे लेयर को यहाँ से मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से मर्ज ऑल सिलेक्ट करेंगे तो हमारा लेयर मर्ज हो जाएगा।
एंड गाइज मर्ज करने के बाद अब करेंगे हम अपने स्किन को स्मूथ। तो स्किन को स्मूथ करने के लिए आपको ब्रश वाले ऑप्शन में आना है एंड आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, स्मर्ज ब्रश। ओके, ये मेरा फर्स्ट नंबर पे, आप लोगों का कहीं पे भी हो सकता है। एंड इसकी सेटिंग देख लो गाइस, मेरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, ठीक है। एंड गाइस इस तरीके से आप लोगों को अपने स्किन को यहाँ पर स्मूथ करना होगा ब्रश का साइज सेट करके। हाइलाइट्स वाले एरिया जो है हाइलाइट्स में ही चलाना, एंड जो शेडो वाला एरिया है वहाँ शेडो में ही चलाना। हाइलाइट्स को आप लोग शेडो के अंदर मिला सकते हो, बट शेडो वाला एरिया हाइलाइट्स में मत मिलाना। ओके, गाइस हमारे फोटो का स्किन बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्मूथ हो चुका है। तो फोटो को यहां से गाइस सेव कर लेंगे एंड गाइस फोटो को लेके चलेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन में। स्नैपचैट में आने के बाद गाइस यहां पर हम फोटो को अपने सीबी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस यहां पर हम अपने फोटो में से खुद को यहां पर रिमूव करेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए टूल्स में आएंगे एंड हीलिंग ब्रश टूल का यहां पर यूज करेंगे हम, ये देख सकते हो। एंड इस तरीके से आप लोगों को अपने फोटो को, मतलब अपने खुद को यहां से रिमूव करना है। देखो इस तरीके से आपको पेंट करना है साइड साइड से, ठीक है। ओके, तो गाइस अब हमारा बैकग्राउंड यहां पर क्लियर हो चुका है। बैकग्राउंड हमें चाहिए था सिर्फ इसके अंदर, तो बैकग्राउंड हमारा यहां पर मिल चुका है, देखो, है ना। तो अब गाइस हम करना है बैकग्राउंड को ब्लर। तो बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, स्नैपचैट में बहुत ही अच्छा ब्लर होता है। तो ब्लर वाले ऑप्शन में आना है आपको लेंस ब्लर में, एंड लेंस ब्लर में आने के बाद ये रिडायलर वाला जो शेप है इसको आपको कर देना है ट्रायंगल वाले, सॉरी उसमें मतलब जो भी है इस पर आपको क्लिक करना है एंड ये वाला आपको शेप ले लेना है। एंड इस तरीके से आपको ब्लर रखना है, ठीक है। नीचे में आप लोगों को ब्लर मत रखना, नीचे में ऊपर ऊपर वाले पार्ट में ब्लर चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है, जहाँ पर आपका पैर है मतलब वहाँ पर ब्लर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ब्लर का इंटेंसिटी आपको बढ़ा लेना है, जितना आपको ब्लर चाहिए बैकग्राउंड में उतना आपको यहाँ से ब्लर बढ़ा लेना है। एंड सिंपल गाइस ब्लर हम रख के यहाँ पे सिंपल डन कर देंगे। अब हमारा बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर हो चुका है, बैकग्राउंड हमें ब्लर चाहिए था। अब बैकग्राउंड को करेंगे हम सीबी में कन्वर्ट। तो सीबी में कन्वर्ट करने के लिए चलेंगे यहाँ पे एचडीआर इफेक्ट में। तो हमारा ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड जो है सीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बट हमें इतना ज़्यादा सीबी में नहीं चाहिए। तो इसका जो है फिल्टर हम यहाँ से स्ट्रेंथ कम करेंगे, स्लाइड करेंगे ना ब्रश को, तो यहाँ से हमारा कम होगा। एंड सैचुरेशन हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे हल्का सा, एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देंगे। ओके, अब सिंपल ऐसे डन करेंगे। डन करने के बाद फिर से आपको चलना है टूल्स में, एंड टूल्स में चलने के बाद गाइस हम चलेंगे ऐड फोटो में इस बार। ओके, डबल एक्सपोजर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है स्नैपचैट में, तो वह डबल एक्सपोजर पे आपको क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिकली आप अपने गैलरी पे आ जाओगे। तो अपने जो फोटो आपने सेव करा था ऑटोडेस्क से, उसी फोटो को आपको दोबारा यहाँ पर ओपन कर लेना है। एंड दोबारा ओपन करने के बाद इसका ओपेसिटी फुल कर देना है 100% यहाँ से, एंड सिंपल आपको राइट वाले बटन पे क्लिक करके डन करना है। डन करने के बाद गाइज आप लोगों को चलना है यहाँ पे अंडू वाले ऑप्शन में। देखो यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे एरो बना हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है एंड व्यू एडिट्स पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आना है एडिट वाले ऑप्शन में, एंड फिर आपका ये फोटो मतलब क्लियर हो जाएगा पहले जैसा। तो फिर आपको क्लियर मिलेगा तो आपको क्या करना है, देखो कट वाले ऑप्शन के बगल में राइट में इन्वर्ट का ऑप्शन है, तो आपको इन्वर्ट पर क्लिक करना है एंड आपका फोटो ये आ जाएगा। ओके, अब गाइस ये देखो, अब हमें चाहिए बैकग्राउंड ब्लर। तो बैकग्राउंड ब्लर के लिए जो हमारा एरो होना चाहिए वो जीरो पे होना चाहिए, ठीक है। हम अभी हमारा जो है एरो यहाँ पर जीरो पे है, एंड जीरो पे रख के इस तरीके से आपको पेंट करना है अपने बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ, फिर आपका बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लर मिलेगा, ठीक है गाइस। मतलब हम अपने फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको इरेज कर लेना है।
और गाइस सोचो आप लोगों को इरेज करते करते कहीं से गलत पार्ट इरेज हो जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए गाइस इस ब्रश का जो जीरो पे था ना उसको 100 पे कर देना ऊपर वाले एरो पे क्लिक करके, फिर आप लोग वापस से उस चीज़ को ला सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को जूम कर करके अच्छे से गाइस बैकग्राउंड को इरेज करना है, मतलब ब्लर करना है। ठीक है, एंड गाइस ये पूरे बैकग्राउंड पे आप लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि हमने गाइस HDR इफेक्ट भी दे रखा है तो वो भी आना चाहिए हमारे बैकग्राउंड के ऊपर। बस अपने मॉडल को रहने देना है। ओके, अब गाइस यहाँ से सिंपल हम डन कर देंगे। अब देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लर हो चुका है, एकदम मतलब असली वाला ब्लर लग रहा है, कहीं से भी फेक भी नहीं लग रहा। जूम करके आप लोग भी यहाँ से देख सकते हो। ओके, बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख लो। अब गाइस हम करेंगे अपने फोटो में थोड़ा सा फेस को और ब्राइट, क्योंकि हमारा फेस यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा अभी डार्क लग रहा है बैकग्राउंड के हिसाब से। तो सिलेक्टी टूल पे चलेंगे एंड इस तरीके से अपने फेस के ऊपर हम सिलेक्शन रखेंगे, एंड सिलेक्शन रखने के बाद इस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो हमारा फेस ब्राइट हो जाएगा। तो सिर्फ गाइस आप लोग अपने फेस को ही ब्राइट मत करना, फेस के साथ साथ गाइस अपने हाथों को भी देख लेना, पैरों पे भी ध्यान दे लेना, नहीं तो गाइस आपका फेस ज़्यादा मतलब ब्राइट दिखेगा एंड आपका मतलब हैंड कुछ और टाइप में दिखेगा तो फिर अलग ही दिखेगा, है ना। तो आप लोग अपने हाथों पे भी कर लेना ये इफेक्ट। एंड गाइस सिलेक्शन वहीं पे रखना जहाँ पर आपके स्किन टोन में डार्क टोन जहाँ पे हो, ठीक है, वहीं पे रखना। अब गाइस हम अपने कपड़ों में थोड़ा सा चमक डालेंगे सीवी एडिटिंग वाला, तो इसके लिए गाइस सिलेक्टी टूल में आएंगे फिर से एंड हम अपने कपड़ों के ऊपर भी इस तरीके से सिलेक्शन रखेंगे। सबसे पहले हम जहां पर बैठे हैं भाई वो वॉल भी होना चाहिए सीवी एडिटिंग में कन्वर्ट, तो स्ट्रक्चर बढ़ा देंगे सिलेक्शन रख के गाइस। सिंपली आपका जो है स्ट्रक्चर बढ़ाने के बाद सीवी एडिटिंग वाला लुक मिल जाएगा। ओके, तो गाइस अब हम कर लेते हैं अपने कपड़ों के ऊपर। कपड़ों के ऊपर गाइस स्ट्रक्चर के साथ साथ गाइस एक और चीज़ आपको कम ज़्यादा करके देख लेना है, कंट्रास्ट। ठीक है, कम में अच्छा लगे तो कम में रख लो, ज़्यादा में अच्छा लगे तो ज़्यादा में रख लो। तो इसी तरीके से अपने पूरे कपड़े के ऊपर सिलेक्शन बना बना के करना है। गाइज ये अब पूरा हमारा सीबी एडिटिंग हो चुका है, बट अभी तक हमें वो टोन नहीं मिला जैसा कि हमने थंबनेल में दिखा था फोटो। तो गाइस यहाँ से फोटो को सेव करेंगे एंड गाइस फोटो को वापस से हम ओपन करेंगे एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में। यहाँ पर गाइस हम फाइनल रिटच करने वाले अपने फोटो को। तो सबसे पहले गाइस लाइटरूम में ओपन करने के बाद वैसे ही आपको आना है लाइट वाले ऑप्शन में दोबारा से, एंड यहाँ पर इस बार हमें हाईलाइट्स कम करने हैं, शैडो को इंक्रीज करना है, वाइट कम, ब्लैक को भी कम, एंड कंट्रास्ट बढ़ा लो इस बार, एंड फोटो एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाना 10%। ठीक है, एंड सिंपल ऐसे डन कर लो। डन करने के बाद चलना है आपको कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद टेम्परेचर 2% बढ़ाना है एंड टिंट भी 2% बढ़ाना है। ये वाइट बैलेंस है हमारा, ठीक है, एंड वाइब्रेंस आपको वापस से 25% बढ़ा देना है। मिक्स कलर में आना है आपको गाइस। मिक्स कलर में गाइस डायरेक्टली आने के बाद आना है आपको येलो कलर पे, क्योंकि हमने पहले जो टोन दिया था गाइस येलो कलर, याद है ना। तो येलो कलर को गाइस ह्यू को हम जितना माइनस करेंगे हमारे फोटो में भाई वो टोन मिल जाएगा ब्राउन वाला जो हमने टोन दे रखा था। ठीक है, ये टोन के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। पहले तो आप लोग अपने फोटो में येलो टोन डालो, फिर येलो को गाइस ह्यू कम कर दोगे एंड सैचुरेशन बढ़ाओगे तो आपके फोटो में ब्राउन टोन आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको ब्राउन टोन देना है एंड आपको ऑरेंज कलर पे आना है। ऑरेंज कलर आप ल्यूमेंस बढ़ाओ, ह्यू को थोड़ा सा कम करो, इससे आपके फोटो में थोड़ा मतलब फेस के अंदर रेडनेस टोन आ जाएगा, एंड सेचुरेशन थोड़ा सा कम कर दो, वाइट होना चाहिए आपका फेस। ओके, यहाँ पर गाइस हमारा सेटिंग यही रखना है एंड ब्लू कलर का फिर से हम सेचुरेशन कम कर देंगे, पर्पल कलर का भी सेचुरेशन कम करेंगे, ल्यूमेंस भी कम करेंगे, इससे हमारा जो ड्रेस पे हमारा ब्लू कलर आ रहा था वो हट जाएगा। ओके, अब सिंपल ऐसे गाइस डन करेंगे। डन करने के बाद गाइस फोटो के अंदर हमारी जो है डिटेलिंग अब डालनी है। तो फोटो को डिटेलिंग डालने के लिए सिंपल आना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे, क्लियरिटी को बढ़ाना है, विग्नेट को थोड़ा सा माइनस करना है, एंड सिंपल ऐसे डन कर लो। डन करने के बाद चलना है ये ट्रायंगल वाले ऑप्शन पे
एंड इसके अंदर आने के बाद शार्पनेस को आपको 15% बढ़ाना है गाइस, ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ पे नॉइज रिडक्शन बढ़ा दो 15%, कलर नॉइज रिडक्शन बढ़ा दो 25% या 30%। ओके अब सिंपल गाइस डन कर दो। अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा दो गाइस, आप लोग रिजल्ट देखो ठीक है। ये देखो बिफोर का फोटो, जूम कर लेता हूँ मैं। एंड ये देखो अब बिफोर, एंड ये देखो आफ्टर, है ना गाइस। काफ़ी अच्छा हमारा जो रिजल्ट मिल चुका है एडिटिंग में, और गाइस हमारा फाइनली एडिटिंग यही था। तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो से आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। एंड गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो यार वीडियो को एक लाइक करना, क्योंकि आप लोगों को वीडियो यार बनाने में सिखाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो बस एक लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना यार वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस ऐसी और भी फ्यूचर में एक्साइटिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।